हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये समझें कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पजल्स या पहेलियाँ सॉल्व करना पसंद है? मुझे पक्का लग रहा है कि आपको ये पसंद होगा। तो चलिए आपसे मैं एक पजल पूछता हूँ कि आई हैव सम नोट्स ऑफ ₹5 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ दोज 5p नोट्स is ₹50. So what is the number of notes that I have? तो मेरे पास ₹50 हैं और ₹5 के कुछ नोट हैं उसमें, तो ₹5 के कितने नोट हैं मेरे पास? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, तो आइए इसको हम इक्वेशंस के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो हम समझेंगे। तो मेरे पास ₹5 के कुछ नोट्स हैं, तो सपोज आई विल अज्यूम दैट आई हैव एक्स नोट्स ऑफ ₹5, तो मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स इज एक्स। इफ आई हैव एक्स नोट्स ऑफ ₹5, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दोज ₹5 नोट्स? उस अमाउंट को कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹5 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, तो 5 × x, तो ये अमाउंट होगा 5x। अब ये अमाउंट हमें ऑलरेडी मालूम है कि वो अमाउंट कितनी है, दैट इज 50। तो ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन वी विल सॉल्व। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 और वी कैन राइट x इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, देयरफॉर वी विल राइट x इक्वल्स टू 10। सो आई हैव 10 नोट्स ऑफ ₹5। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले क्या आपको मालूम है कि x को क्या कहेंगे? यहाँ पे जो इक्वेशन है 5x इक्वल्स टू 50, तो इसमें 5x में x क्या है? तो यहाँ पे ये जो x है दैट इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? व्हेन वी यूज लेटर्स फ्रॉम a टू z, अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स हैं a टू z, उनमें से हम जब लेटर्स को यूज़ करते हैं a b c और x y z एंड सो ऑन फॉर एन अननोन नंबर। तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम था कि 5p के नोट्स कितने हैं, दैट इज एन अननोन नंबर, और अननोन नंबर के लिए हमने वेरिएबल यूज़ किया, ये लेटर यूज़ किया x, तो देयरफॉर इट इज़ एन वेरिएबल। और x के साथ में जो ये नंबर है दिस इज़ कॉल्ड अ कोएफिशिएंट, नंबर जो है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं और जो लेटर्स हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये तो ईजी वाला एग्जाम्पल हो गया, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। तो अगेन मेरे पास कुछ नोट अभी 5 rupees के हैं और कुछ नोट 10 rupees के हैं, एंड द टोटल अमाउंट विथ मी इज़ ₹100। टोटल अमाउंट 100 rupees है, कुछ 5 के नोट्स हैं, कुछ 10 के नोट्स हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे पास 5 rupees के कितने नोट्स हैं और 10 rupees के कितने नोट्स हैं? आइए इसको भी इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि लेट द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स इज एक्स एंड दैट ऑफ 10 rupee नोट्स इज वाई। तो 5 rupees के एक्स नोट्स हैं और 10 rupee के वाई नोट्स हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब इक्वेशन बनेगी, तो 5 rupees के एक्स नोट है तो वो अमाउंट कितनी हुई, दैट अमाउंट इज 5x। 10 rupees के वाई नोट्स हैं तो वो अमाउंट कितनी हुई, दैट अमाउंट इज 10y। एंड वॉट इज द टोटल अमाउंट दैट आई हैव, 5 rupees के नोट और 10 rupees के नोट मिला के टोटल अमाउंट क्या है, तो वो टोटल अमाउंट है 100। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ₹x के कितने नोट्स हैं और ₹y के कितने नोट्स हैं। तो आइए कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं x के लिए और फिर हमें y की भी वैल्यू मिलेगी। x और y के लिए हम नंबर सब्सिट्यूट करते हैं। अब इक्वेशन है 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 100। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स इज 2, मीन्स x इक्वल्स टू 2, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो x इक्वल्स टू 2, सो वी विल राइट 5 × 2, इंस्टेड ऑफ x वी विल राइट 2, x की जगह पे हम 2 लिखेंगे, प्लस 10y इक्वल्स टू 100, देयरफॉर 5 × 2 = 10 प्लस 10y इक्वल्स टू 100, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 10 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, सो वी विल राइट 10y इक्वल्स टू 100
और ये पॉजिटिव 10 है, सो ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी नेगेटिव 10. देयरफॉर 10y इक्वल्स टू 90. फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 अपॉन 10 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 9. सो इफ अगर 5 रुपीज़ के नोट्स 2 हैं, मतलब x की वैल्यू 2 है, तो फिर 10 रुपीज़ के नोट्स मतलब y की वैल्यू होगी 9. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. तो सपोज नाउ इफ x इक्वल्स टू 4, आप याद रखिए कि 5 रुपीज़ के नोट हमेशा इवन होने चाहिए, क्योंकि जब ऑड होंगे तो 10 की वैल्यू हमें परफेक्ट नहीं मिलेगी, वो डेसिमल पॉइंट में आएगी. तो इसलिए 5 रुपीज़ के नोट्स इवन लेने हैं आपको. सो इफ़ x इक्वल्स टू 4, अब हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5x है तो हम लिखेंगे 5 इंटू 4, बिकॉज x की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं. तो 5 इंटू 4 प्लस 10y इक्वल्स टू 100, देयरफॉर 5 फोर जा 20 प्लस 10y इक्वल्स टू 100. देन 20 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, सो 10y इक्वल्स टू 100 माइनस 20 एंड देयरफॉर 10y इक्वल्स टू 80. और y क्या होगा, y होगा 80 अपॉन 10 एंड y इक्वल्स टू 8. तो इसलिए अगर x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स इज 4, देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स होगा 8. तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. इन दिस वे वी कैन गेट मेनी सॉल्यूशन. इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.